Hello friend, today we are going to see 100 question on chemistry. So this is a first part of 100 question in chemistry. So first question is beryllium sulfate is less soluble in water due to. So beryllium sulfate less soluble in water होता है क्यों? क्योंकि उसका जो high inflammation energy होता है beryllium का high inflammation energy होता है, ठीक है? beryllium बहुत volatile type का होता है, ठीक है? इसलिए वो soluble नहीं होता है, highly inflammable energy होता है, ठीक है? What is the name of that system which use radioactive to decide the period of material of a prehistoric period? तो वो कौन सा मटेरियल जिससे हम लोग कार्बन डेटिंग ये सब करते हैं, तो कार्बन डेटिंग ही बोलते हैं उसको, ठीक है? फिर उसके बाद सीमेंट इज मेड हार्ड विथ डिसोसिएशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द वाटर. तो ऑप्शन 3 का 2 हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन द केमिकल बाउंड इज फॉर्म्ड. व्हेन अ केमिकल बाउंड इज फॉर्म देन क्या होता है? तो एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड. तो जब भी बाउंड फॉर्म हुआ तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है? व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन है? नाइलोन नहीं कार्बोहाइड्रेट है. केन शुगर कैन बी टोल्ड कार्बोहाइड्रेट बिकॉज टर्पेंटाइन द कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड. सो कौन सा स्टेट में मैक्सिमम आयरन ओर फाउंड होता है? तो ये फाउंड होता है तुम्हारा फेरस FeCO3 में होता है. Fe2O3 Fe2 ferric oxide में ज़्यादातर तुम्हारा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आर नॉट द सेम. इट इज़ अ लॉ ऑफ व्हाट. ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आर नॉट द सेम. इट इज़ अ लॉ ऑफ व्हाट. इट इज़ अ लॉ ऑफ law of exclusion principle of poly PAULI. It is a exclusion principle of poly. क्या बोला था कि all the four quantum number of the two electrons in an atoms are not the same. कौन बोला था? पॉली बोला था. एक्सक्लूसन प्रिंसिपल ऑफ पॉली, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज कलर्ड बिकॉज इट कंटेन डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इसलिए कमर्शियल नाइट्रिक एसिड जो है वो कलर्ड किया जाता है बिकॉज इट कंटेन्स it contains dissolved nitrogen oxide. So next question है fertilizer having the high nitrogen contents is what? Is ammonium nitrate. The fertilizer ammonium nitrate को fertilizer की तरह भी use किया जाता है. ठीक है? तो option 3 इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट. वेयर डज द ऑक्सीजन दैट कीप अस अलाइव कम्स फ्रॉम. सो ऑक्सीजन वेयर डज द ऑक्सीजन दैट कीप अस अलाइव कम्स फ्रॉम. सो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द वाटर. H2O होता है. H2O का हाइड्रोजन अलग हो जाता है, O अलग हो जाता है, तो हो जाता है. द गैस यूज फॉर
artificial fruit ripening of a green fruit is कौन सा गैस यूज होता है फ्रूट को राइप करने के लिए, तो जो गैस यूज होता है वो होता है इथिलीन द थ्री एलिमेंट्स मोस्ट नीडेड इन अ कॉमन फर्टिलाइजर आर कॉमन फर्टिलाइजर में क्या क्या, तो फास्फोरस तो रहेगा, फास्फोरस तो जरूरी है, नाइट्रोजन भी जरूरी है, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन किस में फास्फोरस और नाइट्रोजन पोटेशियम रहता है, ठीक है, पोटेशियम रहता है, के होता है, ठीक है, फास्फोरस नाइट्रोजन एंड पोटेशियम जरूर रहेगा कोई फर्टिलाइजर में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स पल्यूट्स द एयर ऑफ अ सिटी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो कौन सा मेटल पल्यूट करता है, तो मेटल जो पल्यूट करता है वो लेड है। अब इस लेड वाला फ्यूल को बैन कर दिया गया। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा के केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का क्योंकि बाया से बनाते हैं ना, इसलिए बाया भी हाथ से करते हैं, तो बेकिंग सोडा है, तो उसका जो केमिकल में भी बाया आएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है एन एटॉमिक पिल इज यूज फॉर, एटॉमिक पिल पाइल पाइल इज यूज फॉर, तो एटॉमिक पाइल का क्या यूज होता है, तो एटॉमिक पाइल का यूज होता है कंडक्टिंग न्यूक्लियर फीजन को कंडक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। पाइल विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट अंडर द प्रेशर इन द सॉफ्ट ड्रिंक, सो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑप्शन नंबर 3। फिर उसके बाद द सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपैंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट, वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि एक्सपैंड नहीं होता है, अगर लिक्विड द सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपैंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट, वाटर एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टाइप मेटल, एक तरह का दूसरे टाइप का मेटल होता है जो कि एक्सपैंड नहीं करता है, एक दूसरे टाइप का मेटल होता है जो एक्सपैंड नहीं करता है, टाइप मेटल। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज इन द हॉट पेसमेकर, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज इन अ हॉट पेसमेकर PSEMAKER पेसमेकर से, तो ये कौन सा, तो ड्यूटेरियम हो सकता है, 18 का ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम ही यूज होता है पेसमेकर के लिए यूरेनियम ही यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन इज यूरेनियम, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल साल्ट गेट मॉइस्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज हाइड्रोस्कोपिक, सोडियम क्लोराइड कंटेन हाइग्रोस्कोपिक इंप्यूरिटी लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, उसके कारण ये हो जाता है।
तो 20 का तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन अ हेवी मशीन। तो लुब्रिकेंट की तरह क्या कौन सा चीज़ को यूज करें, बॉक्साइट को, सल्फाइड, सल्फर को, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट को। तो लुब्रिकेंट की तरह ग्रेफाइट को यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। द एनोड इन अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ ऑफ एनोड, तो तुम्हारा इसका बना रहता है ना, जिंक का, जिंक का एनोड बना रहता है, जिंक का, जिंक का। द एनोड इन अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक, द एनोड इन द ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ द जिंक, द एनोड इन द ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ द एनोड इन द ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ द एनोड इन द ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ द 23rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आयोडाइज कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट को आयोडाइज करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं हम लोग पोटेशियम आयोडाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आयोडाइज कॉमन सॉल्ट, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं आयोडाइज करने के लिए कॉमन सॉल्ट को, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। आयोडाइड नहीं, आयोडेट, डेट पे जाओ तो कुछ खाते हैं हम लोग। फिर मिल्क, मिल्क इज अ कोलाइडल सिस्टम इन विच, मिल्क इज अ कोलाइडल सिस्टम इन विच वाटर इज डिस्पर्स इन अ फैट, फैट इज डिस्पर्स इन वाटर, फैट इज एंड वाटर इज डिस्पर्स इन ईच अदर, या फैट इज डिसॉल्व। सो इसका आंसर है तुम्हारा फैट इज डिस्पर्स इन द वाटर। मिल्क इज अ कोलाइडल सिस्टम इन विच द फैट इज डिस्पर्स इन द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज, तो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो द एंजाइम दैट कन्वर्टेड द ग्लूकोज इन टू द इथाइल अल्कोहल इज कौन सा है, तो ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3, जाइमेस इज द एंजाइम दैट कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। जाइमेस इज अ एंजाइम व्हिच कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, जाइमेस इज अ एंजाइम व्हिच कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क फाइबर केमिकली इज, सिल्क फाइबर केमिकली इज, सिल्क फाइबर क्या है, एक तरह का वो है सेलुलोज, सेलुलोज, सिल्क फाइबर एक तरह का सेलुलोज है क्योंकि वो कीड़ा का कोकून से बनता है, ठीक है, सेलुलोज है, सिल्क फाइबर एक तरह का सेलुलोज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा हु डेवलप हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, तो हाइड्रोजन बम जो बनाया था उसका नाम है एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने बनाया था, और डायनामाइट्स कौन बनाया था, अल्फ्रेड नोबल, उसी पर नोबल प्राइज भी देते हैं। तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, एडवर्ड टेलर ने, TLLER टेलर, एडवर्ड टेलर ने बनाया था क्या, हाइड्रोजन बम। व्हेन देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट दे हैव, अगर कोई दे हैव टू, कोई एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दे हैव क्या होगा, दे हैव ऑफ कोर्स अपोजिट स्पिन, दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहेगा। गैल्वनाइजेशन इज द क्या होता है, गैल्वनाइजेशन मतलब क्या होता है, गैल्वनाइजेशन मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, गैल्वनाइजेशन मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ द जिंक इन ऑन आयरन, गैल्वनाइजेशन मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, गैल्वनाइजेशन मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ द जिंक ऑन आयरन, डिपोजिशन ऑफ द जिंक ऑन आयरन। फिर फर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क इज टू कर्ड इज ड्यू टू, फर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू, फर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू, फर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क
to curd is due to lactobacillus and lactobacillus lacto bsci lus bacillus. Fermentation of the milk to curd is due to lactobacillus. Fermentation of the milk to curd is due to lactobacillus bsci lus bacillus. Is due to lactobacillus lacto bsci lactobacillus. By which organic compounds all the oil are known? So all the oil are known as carbohydrates. All the oil are known as carbohydrates or hydrocarbons. Hydrocarbons. They are known as hydrocarbons. 32 है. The atomic number of a carbon is 6 and its atomic mass is 12. How many of their protons in the nucleus of the carbon? तो proton होगा of course. तुम्हारा proton होगा वो 6 के बराबर नहीं होगा क्योंकि number of atomic mass के बराबर ही proton होता है. Who developed atomic bomb? Atomic bomb कौन develop किया? तो atomic bomb जो develop किया है उसका नाम है J. Robert Oppenheimer bomb for you open kar raha atomic bomb J. Robert Oppenheimer ne develop kiya tha aur hydrogen bomb Edward Teller ne kiya tha aur atom bomb J. Robert Oppenheimer ने किया था. डायनामिक अल्फ्रेड नोबल ने किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर हार्मफुल गैस इमिटेड बाय द ऑटोमोबाइल व्हीकल्स व्हिच कॉज एयर पोल्यूशन इज. तो एयर पोल्यूशन मेनली क्या से होता है? तो मेनली तुम्हारा एयर पोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है. द एसिड यूज्ड इन लीड स्टोरेज सेल इज. तो एसिड जो बैटरी में कौन सा एसिड होता है? तो बैटरी में जो एसिड होता है उसका नाम है तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड. मिल्क टेस्ट सोर व्हेन कीप इन द ओपन फॉर सम टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जरूर उसमें लैक्टिक एसिड हो जाए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है जिसके कारण से उसको सोर लगता है. तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में तुम्हारा मर्क्यूरी और वेपर एंड आर्गन यूज होता है. मर्क्यूरी वेपर और आर्गन होता है. क्या होता है तुम्हारा फ्लोरोसेंट ट्यूब में? मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन होता है. मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन होता है. ट्यूबलाइट मर्क्यूरी भी होता है. मर्क्यूरी वेपर और आर्गन होता है. ठीक है. आर्गन व्हाट इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली व्हाट इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकल तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकली नेम क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकली नेम है तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकली नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकली नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सूप इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कास्टिक सोडा विथ. सूप इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कास्टिक सोडा विथ. तो सोप कैसे से बनता है? तो सोप जो बनता है वो कास्टिक सोडा को तुम्हारा फैट के द्वारा बॉईल करने पर बनता है. कास्टिक सोडा को फैट के साथ बॉईल करने से बनता है क्या? सोप. सोप इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कास्टिक सोडा विथ फैट.
ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ ब्रोंज क्या क्या अलॉय है तो ब्रोंज जो है वो तुम्हारा कॉपर और टीन का अलॉय है ब्रोंज है वो कॉपर और टीन का अलॉय है ब्रोंज है जो कॉपर और टीन का अलॉय है ब्रोंज जो है वो कॉपर और टीन का अलॉय है ब्रोंज कॉपर और टीन का अलॉय है द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज तो हाइड्रोकार्बन का नेचुरल सोर्स क्या है तो हाइड्रोकार्बन का नेचुरल सोर्स क्रूड ऑयल है हाइड्रोकार्बन का नेचुरल सोर्स हाइड्रोकार्बन का नेचुरल सोर्स क्रूड ऑयल है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफली प्रेजेंट इन एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है तो एलपीजी में तुम्हारा एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है ये तो पता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन तो एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन ब्यूटेन ही क्या होता ठीक है ब्यूटेन है मतलब और क्या ब्यूटेन होता है एलपीजी में ब्यूटेन होता है एलपीजी में ब्यूटेन होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन तो गैल्वेनाइज करने के लिए जिंक यूज करते हैं सर 43 का 3 जिंक हाँ आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए जिंक यूज करते हैं और जिंक का परत आयरन को लगाने का प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी प्रीशियस स्टोन तो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी प्रीशियस स्टोन तो कौन सा नहीं है सेमी प्रीशियस स्टोन तो कौन सा नहीं है तो ये जो पर्ल्स है वो सेमी स्टोन प्रीशियस स्टोन नहीं है बाकी रूबी एम्बरल्ड एंड सफीरी इज अ प्रीशियस स्टोन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोवाइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा मेटल में मिलता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा मेटल में मिलता है तो ये होता है तुम्हारा एल्युमिनियम में एल्युमिनियम में एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिलता है ठीक है विच ऑफ द विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स प्रोवाइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम 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 AlumiNiUm एल्युमिनियम AlumiNiUm एल्युमिनियम विच ऑफ द विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोवाइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम एल्युमिनियम AlumiNiUm एल्युमिनियम हमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज हमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज हमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज हमबर्गर HUMBUR जी हमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज तो हमबर्गर इफेक्ट अदरवाइज नोन एज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट हमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज 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 नोन एज क्लोराइड शिफ्ट नेक्स्ट इज नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन द मैक्सिमम परसेंटेज इन द ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी में तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में तुम्हारा मिलता है क्या वो मिलता है ऑक्सीजन 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 मैक्सिमम परसेंटेज में मिलता है ह्यूमन बॉडी में विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज सूटेबल इंडिकेटर्स व्हेन सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट इज मिक्स्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड तो सोडियम कार्बोनेट को अगर सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करेंगे तो क्या होगा तो ये तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज कलर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर मैटर कौन है इसमें से तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्योर मैटर बाकी ब्रास एयर और आयरन तो मिक्सचर होता है ठीक है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कोल कंटेन 90% ऑफ द
कार्बन, तो एंथ्रासाइट जो होता है वो 90% ऑफ द कार्बन कंटेन करता है, ठीक है। बॉक्साइट इज अलॉय ऑफ एल्युमिनियम, बॉक्साइट अलॉय किसका है, एल्युमिनियम का, ठीक है। बाकी का हम लोग बाद में करेंगे, इसमें 85% तक होता है।